नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज 15 जुलाई है। बात करते हैं झारखंड की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। केरल से मुक्त हुए संताल परगना के 32 श्रमिक व 5 बच्चे। जी हां, झारखंड के दुमका की श्रमिक अनिता मरांडी खुश है कि वे कहती हैं कि हम केरल में बहुत तकलीफ में थे, हमारा आधार कार्ड ले लिया गया था और सताया जा रहा था, अब वहां से मुक्त होकर काफी अच्छा लग रहा है। अब काम करने अपने राज्य से बाहर दोबारा कभी नहीं जाएंगे, हमारी गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन ने सुनी है। इनका तहे दिल से धन्यवाद। आपको बता दें कि अनिता समेत 32 श्रमिक व 5 बच्चे केरल में फंसे हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी व्यवस्था। जी हां, झारखंड के 32,623 सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए अध्ययन भी हो रहा है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, अभिभावक आदि सभी का सहयोग लेने का प्रयास होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बराबरी करें। शिक्षा में सुधार के लिए अभिभावकों, शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद डॉग द्रोन का हजारीबाग कोबरा बटालियन मुख्यालय में हुआ अंतिम संस्कार। जी हां, कोबरा बटालियन में शहीद डॉग द्रोन का बढ़ी स्थित कोबरा बटालियन 203 के मुख्यालय कैंप परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोबरा बटालियन के द्वितीय कमांड अधिकारी अमित कुमार सहित कई वरीय अधिकारी व जवान इस मौके पर मौजूद थे। मैं आपको बता दें कि डॉग ड्रोन झारखंड के गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडबा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में शहीद हो गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी लहर की आशंका से पहले 18 वर्ष से कम उम्र के 1202 बच्चे कोरोना संक्रमित एक छात्रा की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक घातक साबित होगी। अगस्त में कोरोना की संभावित तीसरी लहर भारत में दस्तक देगी। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। वहीं हम पहली व दूसरी लहर के दौरान जिले में अब तक मिले 0 से 18 आयु वर्ग के जो लोग थे, कुल संक्रमित की जो संख्या है वो 1200 के पार चली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता की दर्ज पर जमशेदपुर शहर में बनेंगे 2 नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट। एक ही जगह पर मिलेगा खाने का स्वाद। जी हां, झारखंड में नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट की तर्ज पर शहर में जल्द ही 2 नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट बनेगी। जी हां, कोलकाता के नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट की तर्ज पर शहर में जल्द ही 2 नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट बनेगी। उसके बाद बढ़ाकर 5 नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट करने की योजना जिला प्रशासन की है। DC सूरज कुमार ने वेंडिंग जोन निर्माण को लेकर जुबली पार्क के साक्षी छोर और बसंत सिनेमा हॉल के सामने पार्किंग, साक्षी पोस्ट ऑफिस के पीछे खाली इस जगह और पूरे साक्षी बाजार का भ्रमण कर जायजा लिया और उसके बाद ये बताया गया कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड बनाए जाएंगे, जिसको बाद में फिर बढ़ाकर 5 स्ट्रीट फूड बना दिया जाएगा। झारखंड अपडेट्स में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।